गुल्ली बुल्ली और सोन को नारियल पानी पीना बहुत पसंद है, इसलिए ये लोग नारियल पानी पीने के लिए बाजार जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही इन लोगों को एक नारियल का पेड़ दिखा जिसमें बहुत सारे नारियल भी लटके हुए हैं। तो ये लोग इस नारियल को तोड़ने के लिए यहीं रुक गए। बुल्ली कहता है, ये नारियल का पेड़ बहुत लंबा है सोन, मुझे नहीं लगता कि तुम इस पेड़ पर चढ़कर नारियल को तोड़ पाओगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि चलो हम लोग बाजार जाकर ही नारियल पानी पी लेते हैं। नहीं बुल्ली, मैंने तो सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इसी पेड़ के नारियल का पानी पियेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ लूंगा। ये कहकर सोन नारियल तोड़ने के लिए जाने लगता है। बुल्ली कहता है, अरे वाह सोन, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा दोस्त बंदर है, तुम तो एकदम फटाफट बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ रहे हो। बुल्ली की बात सुनकर सोन का हाथ फिसल जाता है और सोन सीधा फिसल कर नीचे आ जाता है। सोन कहता है, अरे बुल्ली तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते, अभी मैं नारियल तोड़ने ही वाला था लेकिन तुम्हारी बातों से मैं फिसल गया। और ये तुम मुझे बंदर क्यों बोल रहे हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें इस नारियल के पेड़ पर उल्टा लटका दूंगा। सोन सही कह रहा है, बुल्ली तुम सोन को बंदर बोलकर सारे बंदरों की बेइज्जती कर रहे हो। बंदरों में तो दिमाग भी होता है लेकिन सोन के अंदर तो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। पहले सोन को इस छोटे वाले पेड़ पर चढ़ना चाहिए ताकि ये नारियल जल्दी तोड़ पाए। सोन कहता है, हाँ गुल्ली तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, रुको मैं पहले इस छोटे वाले पेड़ पर चढ़ता हूँ। रुको सोन, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें इस पेड़ पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है कि हम लोग इस नारियल को कैसे तोड़ सकते हैं, तुम लोग बस देखते रहो मैं अभी क्या करता हूँ। ये कहकर गुल्ली गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को पेड़ की तरफ करने लगता है। सोन कहता है, अरे वाह गुल्ली तुमने क्या दिमाग लगाया है, मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या करने वाले हो, चलो तो फिर जल्दी से गाड़ी को आगे बढ़ाओ और इस नारियल के पेड़ को ठोक दो ताकि सारे नारियल नीचे गिर जाए। नहीं गुल्ली तुम ऐसा कुछ मत करो, नहीं तो ये पेड़ टूट जाएगा। गुल्ली कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा बुल्ली, मैं पेड़ को धीरे से ठोकूंगा। ये कहकर गुल्ली गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ एक मॉन्स्टर आकर गुल्ली को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। तभी ये मॉन्स्टर गाड़ी को छोड़ देता है और चलकर आगे आने लगता है। आगे आते ही ये मॉन्स्टर कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे नारियल के पेड़ को तोड़ने के बारे में सोचने की? ये नारियल का पेड़ मेरा है और मुझसे बिना पूछे इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन तुम लोगों ने गलती कर दी है इसलिए अब मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। मॉन्स्टर की ये बात सुनकर सोन को बहुत गुस्सा आ जाता है। चुप रहो इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, हम लोग तो यहाँ सिर्फ नारियल तोड़ने के लिए आए थे लेकिन उसके बदले में तुम हमें मार दोगे, लगता है तुम जानते नहीं हो कि हम लोग कितने खतरनाक आदमी है। रुको मैं अभी बाबा को बुलाता हूँ, बाबा के सामने तुम हमें मार तो क्या छू भी नहीं पाओगे। सोन की बात सुनकर ये मॉन्स्टर सोन की तरफ आने लगता है। अरे ये क्या, इस मॉन्स्टर ने तो सोन को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। गुल्ली कहता है, अरे ओ मॉन्स्टर तुम बच्चे पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमारे बाबा से लड़कर दिखाओ। लगता है तुम लोगों को ये नहीं पता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ इसलिए मेरे सामने कोई नहीं टिक पाता है। चलो तो फिर देर किस बात की, पास में जो बॉक्सिंग रिंग है तुम लोग अपने बाबा को फोन करके वहीं बुला लो, लेकिन हाँ अगर तुम लोगों का बाबा मुझसे हार जाएगा तो मैं तुम तीनों के साथ साथ तुम्हारे बाबा को भी मार दूंगा। मॉन्स्टर की बात सुनकर सोन बाबा को सारी बातें बताने के लिए बाबा के पास कॉल लगाने लगता है। कुछ ही देर में ये लोग बॉक्सिंग रिंग के पास आ जाते हैं और बाबा के आने का वेट करने लगते हैं और ये मॉन्स्टर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस करते करते ये मॉन्स्टर कहता है, बहुत देर हो चुका है लेकिन अभी तक तुम लोगों का बाबा यहाँ आया क्यों नहीं, कहीं वो डर तो नहीं गया? अरे वो मॉन्स्टर वहाँ देखो। गुल्ली बुल्ली और सोन के पास आते ही बाबा कहते हैं, क्या ये वही मॉन्स्टर है सोन जिसने तुम लोगों को मारने की बात की? हाँ बाबा ये वही मॉन्स्टर है और इसने मुझे थप्पड़ भी मारा। मॉन्स्टर कहता है, वहाँ खड़े रहकर ज्यादा बहस मत करो, नहीं तो मैं वहाँ आकर तुम सबको एक एक थप्पड़ लगा दूंगा। ये बात सुनते ही बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर शुरू हो जाती है बाबा और मॉन्स्टर की लड़ाई। अरे ये क्या, इस मॉन्स्टर के पहले किक से ही बाबा बॉक्सिंग रिंग के बाहर गिर गए। बाबा कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि इस मॉन्स्टर के अंदर इतना ताकत है, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ गुल्ली बुल्ली और सोन कि मैं इसे पक्का हरा दूंगा। ये कहकर इन लोगों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है।
अरे वाह बाबा, आप तो इस मॉन्स्टर को बहुत खतरनाक तरीके से मार रहे हैं, लेकिन इतने में हमारा काम नहीं चलेगा। जब तक ये मॉन्स्टर हम लोगों को सॉरी ना बोले, तब तक आप इसे मारते रहिए। सोन की बात सुनते ही ये मॉन्स्टर उठकर खड़ा होता है और सोन से कहता है, तुमने क्या मुझे हलवा समझ रखा है? मैं तब से मार खा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार जाऊंगा। रुको, मैं अभी इस बाबा को बताता हूँ। ये कहकर मॉन्स्टर बाबा के ऊपर हमला करने लगता है। मॉन्स्टर का किक पड़ते ही बाबा नीचे गिर जाते हैं, लेकिन अरे ये क्या, बाबा वापस क्यों नहीं उठ रहे हैं? बाबा ये आपको क्या हुआ, जल्दी से उठकर खड़े हो जाइए और इस मॉन्स्टर को पटक पटक कर मारिए, नहीं तो ये मॉन्स्टर हम सबको मार देगा। मॉन्स्टर कहता है, तुम लोगों को तो अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारे बाबा के अंदर इतना दम नहीं है कि ये वापस उठ सके। चलो अब तुम तीनों एक एक करके इस बॉक्सिंग रिंग के अंदर आओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक एक करके मारना चाहता हूँ, और तुम लोगों को मारने के बाद मैं इस बाबा को मार दूंगा। मॉन्स्टर की बात सुनकर बाबा एक्सट्रीम मोड में चले जाते हैं और उठकर खड़े होने लगते हैं। सोन कहता है, अरे ओ मॉन्स्टर, तुमने बाबा को क्या समझ रखा है? बाबा आज तक किसी से भी नहीं हारे हैं, अभी देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और फिर क्या, बाबा इस मॉन्स्टर को बहुत खतरनाक तरीके से मारने लगते हैं। बाबा इस मॉन्स्टर के ऊपर कूद कूद कर इस मॉन्स्टर की चड्डी पसली एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है और ये उठकर खड़ा होने लगता है। लेकिन जैसे ही ये मॉन्स्टर खड़ा होता है, तभी बाबा इसे फ्लाइंग किक मार देते हैं। बुल्ली कहता है, बताओ मॉन्स्टर बाबा से मार खाकर तुम्हें कैसा लग रहा है? लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर कुछ कह पाता, बाबा इसे फिर से किक मार देते हैं, जिससे ये मॉन्स्टर सीधा बॉक्सिंग रिंग के बाहर जाकर गिरता है। वापस उठते ही ये मॉन्स्टर सोन से कहता है, तुम्हारा बाबा तो सच में बहुत खतरनाक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने आज तक किसी को भी सॉरी नहीं बोला है, इसलिए मैं तुम लोगों को भी सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। ये कहकर ये मॉन्स्टर यहाँ से भागने लगता है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हो गुल्ली बुल्ली और सोन, हमें इस मॉन्स्टर को ऐसे ही यहाँ से जाने देना चाहिए, या फिर मैं इसे फिर से पकड़कर पटक पटक कर मारूं? सोन कहता है, नहीं बाबा, जाने दीजिए उसे, नहीं तो वो मर जाएगा, वैसे भी आपसे मार खाने के बाद वो दोबारा कभी हम लोगों के सामने भी नहीं आएगा। मुझे लगता है कि आज उसने पहली बार किसी से इतना मार खाया है। लेकिन अब ये सब छोड़िए और चलिए बाबा, हम लोग नारियल के पेड़ के पास चलते हैं और नारियल तोड़ते हैं, क्योंकि मुझे नारियल पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। गुल्ली कहता है, सोन अब तुम्हें नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ना होगा, क्योंकि बाबा उस पेड़ पर एक मुक्का मारकर सारे नारियल नीचे गिरा देंगे। ये कहकर ये लोग नारियल के पेड़ के पास जाने लगते हैं और इस तरह से आज बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन को उस मॉन्स्टर से बचा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।